बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैंने ईमानदारी से एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों की सेवा की, और एक शिक्षक के लिए यह बहुत बड़ा बल का बात है कि उसका बेटा आज 8वीं रैंक लेकर के देश में अपने बाप का नाम किया है। इनके पढ़ाने में हमने हमेशा सबसे बड़ा मंत्र जो रखा वो ईमानदारी, कि हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ईमानदारी की कमाई होगी तो निश्चित रूप से हमारे बेटा को लोगों का आशीर्वाद लगेगा और एक दिन वो कुछ न कुछ निश्चित रूप से कहेगा। ये पूर्ण सिद्ध साबित था जो आज का दिन हमारे सामने है। हम अपने इष्ट मित्रों को इस बात की बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। अखिलेश पांडे। मेरा नाम विजयानंदन पांडे है। मैंने इस साल इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2018 में, जो कि संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा होती है, उसमें पूरे भारत में 8वां स्थान प्राप्त किया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पैट्रिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई, वहाँ मैंने 12 तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने AIEEE का एग्ज़ाम क्लियर करके NIT हमीरपुर से, जो कि हिमाचल में है, वहाँ से किया। फिर मैंने 2016 में बीटेक करने के बाद दिल्ली में चला गया इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की तैयारी करने। तो पहले प्रयत्न मेरा, मैं इंटरव्यू तक गया, लेकिन उसमें कुछ नंबरों की कमी की वजह से मैं फाइनल सूची में अपना नाम नहीं दर्ज करा पाया। फिर अगला अटेम्प्ट मैंने फिर से अपने आप को सब तरह से मोटिवेट किया और फिर जुनून से मैं फिर से अपनी पढ़ाई में लग गया। और उसके बाद फिर से मैंने 14 से 15 घंटे प्रतिदिन अध्ययन किया और सिर्फ पढ़ाई को ईमानदारी से किया। मतलब आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, सबसे बड़ी चीज़ सफलता का ये है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए और निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं कि ये है कि मतलब आपके मित्र कहीं हैं, आप कभी कुछ त्यौहार में इधर उधर होता है, वो चीज़ें नहीं। इन परीक्षाओं में अगर आदमी निरंतरता रखे अपने अध्ययन में और सदैव मोटिवेटेड रहे तो कोई भी इस एग्जाम में कुछ भी कर सकता है। तो उसी का नतीजा है कि आज मैंने 8वीं रैंक इसमें पूरे भारत में की है और अपने प्रदेश में मेरा 3रा स्थान है और पूर्वांचल में पहला। जी, सफलता का श्रेय तो सब, क्योंकि इन परीक्षाओं में चूँकि पूरे भारत लेवल पे सीटें काफ़ी कम होती हैं, तो आप कुछ एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे सर्वोपरि तो सर को इसका श्रेय जाता है, दूसरा मेरे माता पिता को। मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा हमको, जब भी ये लगा कि कभी मेरे टेस्ट में नंबर कम आ गए, कभी ऐसा लगा कि बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, इतनी सीटें कम होती हैं, ये सब, तो उन्होंने सदैव मोटिवेट किया और उनका चरित्र ही मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत था कि वो किसी भी स्थिति में जैसे मेहनत करते हैं। तो ये आदत मैंने उनसे सीखी और मेरी माता जी का आदर्श संस्कार शुरू से मेरे साथ था, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे पूर्वक बिना इधर उधर भटके अच्छे से सुचारू रूप से कर सका। बाकी गुरुजनों का, अपने मित्रों का और परिवार के अन्य सदस्यों का भी इसमें मुझे योगदान। आपका बेटा एक अधिकारी बन गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान की कृपा है सब। आयुष के पापा का बहुत योगदान इसमें है। बहुत बचपन से बहुत मेहनती रहा, छोटा था तब एकदम 2 बजे रात तक पापा अपने पापा के साथ बैठ के और पढ़ता रहे, समझता रहे। बहुत ईमानदार है, सच्चरित्र है। हाँ, ईमानदारी से, तो और क्या, ईमानदारी से नौकरी करेगा तभी ना आगे बढ़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। ईमानदारी है तो सबसे बड़ी पूंजी है।